हेलो, वेलकम टू किचन पूजा। नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है छोले और भटूरे। यहाँ पर हमने जो व्हाइट वाले चने होते हैं उसे रात में भिगो दिया था, अच्छे से ये फूल चुके हैं। तो इस चने को धो करके हम कुकर में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे तो 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची, बड़ी वाली इलायची और 2 लवंग डाल देंगे। और बस अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल करके इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे गैस पे। तो लगभग यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास के करीबन पानी डाला है और नमक डालेंगे। नमक डालने से जो छोले हैं ना वो जल्दी पक जाएंगे और अंदर तक नमकीन से भी हो जाएंगे। तो बस इसे अब हम 2 सीटी आने तक का इंतज़ार करेंगे और जब तक कि हमारा छोला उबल कर रेडी होगा तब तक हम छोले के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन कट कर लेंगे। तो प्याज लंबे लंबे स्लाइसेस में हमें कट करने हैं और टमाटर भी छोटे छोटे क्यूब में कट कर लेंगे हम। और ये रहा लहसुन, तो लहसुन को हम छील लेंगे। और लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं और अब हम प्याज और लहसुन का है ना पेस्ट बना लेंगे। कुछ हरी मिर्च भी कट करेंगे, तो बस इसे मैं फ्रीज में से निकाल रही हूँ। और धनिया पत्ता भी, तो यहाँ पर हमने कट कर लिया। अब मिक्सी के जार में डालेंगे प्याज और थोड़े से प्याज हमने बचा भी लिए हैं और लहसुन डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं छोले में पर्सनली अदरक नहीं डालती हूँ। जीरा यहाँ पर 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने। और हाँ, सबसे मेन इंग्रेडिएंट है काजू। तो यहाँ पर हमने लगभग 6 से 7 काजू डाला है। इससे जो छोले हैं ना बहुत ज्यादा क्रीमी बनते हैं और टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। जब हम जैसे रेस्टोरेंट में छोले खाते हैं ना, वो लोग काजू का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने पेस्ट बना लिया और यहाँ पर हमारी 2 सीटी भी आ चुकी है। तो छोले को हमने बंद कर दिया है, यानी कि कुकर का जो गैस है बंद कर देना है और तब तक हम भटूरे का प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा। तो ये 1 kg वाला पैकेट है, 1/2 kg से थोड़ा सा ज्यादा मैंने मैदा लिया है भटूरे के लिए और इतना बचा लिया है। अब इस मैदे में हम डालेंगे सूजी। तो सूजी 1/4 कप मैं लूंगी इसमें और 1 कप दही डालेंगे। दही ताजी डालिएगा, खट्टी वाली मत डालिएगा। और नमक डाल देंगे। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक बढ़िया सा टोह लगा लेंगे, जैसे कि रोटी और आटे के लिए लगाया जाता है वैसे। और ये बहुत ही मतलब फटाफट से डो रेडी हो जाता है, क्योंकि मैदे में गूंथने में है ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर जो है हमारा जो डो है वो भी हमने गूंथ करके रेडी कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से सॉफ्ट डो लगाना है और इसे हम ढक करके रख देंगे साइड में और तब तक छोले बना लेंगे, तब तक जो हमारा आटा है वो भी अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुकर का लीड हटा लिया है, छोले अच्छे से पक चुके हैं। तो एक बड़ी सी छन्नी ले लेंगे और इसमें ये पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लेंगे और जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना उसे भी हम निकाल लेंगे। तो बस इस पानी को मैं फेंक देती हूँ और इन छोलों को स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसी कुकर में फिर से हम छोलों को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने गैस स्टार्ट कर दिया, कुकर गर्म होने देते हैं। अब इस कुकर में जाएगा 2 चम्मच तेल। कुकर में थोड़ा सा पानी था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया और उसके बाद इसमें हम डालेंगे तेल। आप चाहें तो 1 चम्मच तेल में भी इसे बना सकते हैं। और अब तेल को गर्म होने के बाद इसमें जाएगा जीरा 1 छोटा चम्मच के करीबन। और जो खड़े मसाले हैं ऑलरेडी हमने छोले में डाले हुए हैं, तो मैं इस वक्त इसमें मतलब तेल में खड़े मसाले नहीं डालूंगी, सिर्फ जीरा को अच्छे तरीके से तेल में भुनने देंगे। और उसमें हमने हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा जो प्याज बचा के रखा था वो प्याज डाला है। और प्याज को ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है पेस्ट वाला जो काजू, प्याज और लहसुन का जो बनाया था वो। और जब तक ये भूनता है तब तक हम टमाटर का भी पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बस ये टमाटर का भी हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अच्छे से सारी चीज़ों को हमने भून लिया, प्याज और काजू को। और उसके बाद जब वो भून गया उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीबन। और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको भूनना है। जो कच्चे मसाले हैं उसे अच्छे तरीके से भून लीजिएगा, 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। और उसके बाद 2 चम्मच मलाई वाली बिल्कुल दही ऐड कर दी है और जो टमाटो का पेस्ट था वो भी डाल दिया है। और अब बिल्कुल तेल सेपरेट होने तक आपको मसालों को अच्छे से भून लेना है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम।
अब इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे सारे मसालों को अच्छे से आपको भून लेना है। और यहाँ पर मसाले में से तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका था, तो हमने उबले हुए छोले डाल दिए और ये जो खड़े मसाले हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। उस वक्त मैंने नहीं निकाला था, तो बस अब निकाल लेंगे, नहीं तो वो मुँह में आते हैं ना डायरेक्टली, तो नहीं अच्छा लगता है। अब इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैंने भून लिया छोलों मसालों को, और उसके बाद इसमें पानी डाल दिया है, धनिया पत्ता डाल दिया है ताज़ा, इसे मिला देते हैं और इसका अब लीड बंद करेंगे और इसे सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी आने देंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि छोले पके हुए हैं, मसाले भुने हुए हैं। और तब तक हम भटूरे को फ्राई करके रेडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल, तेल को बढ़िया से गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तो ये भटूरे का आटा भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, फूल चुका है। अब हम किचन प्लेटफॉर्म पे ना थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे, अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। और ये जो आटा है भटूरे वाला, उसे आपको लेना है और अच्छे तरीके से अब इसको मसाज देना है, ताकि हमारे भटूरे फूले फूले से बने, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं देखिए किस तरीके से अंदर की ओर ना फोल्ड करते जा रही हूँ, तो वैसे आप कीजिएगा, इससे आपके भटूरे ना बहुत ज़्यादा फूले फूले से बनेंगे। तो बस यहाँ पर हमने आटा जो है रेडी कर लिया है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे अच्छे से जब भटूरे रेडी हो, मतलब भटूरे का आटा रेडी हो जाता है ना, तो इस तरीके से हो जाता है, मतलब आप उंगली से दबाएंगे ये ऊपर आएगा, आप दबाएंगे ऊपर आएगा, तो परफेक्ट भटूरा इसका बनकर रेडी होगा। तो अब हम लेंगे आपको बड़ा छोटा जैसे भटूरा बनाना है उस हिसाब से आप लोई ले लीजिए, और उसके बाद मैं इसे किचन प्लेटफॉर्म पे ही बेलूंगी, क्योंकि ये जितना बड़ा आप बेलोगे उतना अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली भटूरा बड़ा बड़े साइज़ का अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा तेल लगाएंगे और उसके बाद मैं थोड़ा एडजस्ट करती हूँ मेरे कैमरे को, और बस हो गया एडजस्ट। तो इसे अब हम बेल कर रेडी कर लेंगे, हल्का सा मोटा ही बेलिएगा, जब भी आप भटूरा बनाएंगे पूरी की तरह पतला नहीं बेलना है, जब आप थोड़ा सा मोटा बेलेंगे ना तो ये फूलेगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तो तेल में तो ये फूल जाएगा लेकिन बाद में ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कड़क हो जाता है, जो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो तेल देख लेते हैं हमारा कि गर्म हुआ है या नहीं, तो कैमरा को तो मुझे ऐसे उठाना पड़ता है फिर एडजस्ट करना पड़ता है जैसे कि मैं इस वक्त कर रही हूँ। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है क्योंकि सारी चीज़ें खुद से ही मैं करती हूँ, जैसे कि लाइट हो गया और बाकी सारी चीज़ें जो भी वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी होता है, और किचन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा, मेरे किचन में तो फैन भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मज़ा आता है बहुत, और आप लोग एक लाइक कर देते हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और ये कैमरा मेरा यहाँ गिरते गिरते बच गया, लेकिन बचा लिया मैंने, और तेल अच्छे से गर्म हो गया था। और भटूरा हमेशा हाई फ्लेम पे आपको फ्राई करना है, धीमा या मध्यम नहीं, हाई फ्लेम पे। और ये भी देखिए भटूरा हमारा कितना बलून की तरह फूल करके रेडी हुआ है। ऐसे ही मैं एक दो और भटूरे आपको बना करके दिखाती हूँ, तो इन भटूरों को अब हम निकाल लेते हैं। वाओ, दिखने में भी मतलब गज़ब का लग रहा है। तो बस इसे हम, और मैंने 2-3 पहले से भी फ्राई करके रेडी कर लिया था, और बस एक और मैं आपको बेल करके दिखाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर ये देखिए, इसे भी हमने बेल लिया और ये बहुत जल्दी, मतलब बेलने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो इस भटूरे को भी हमने डाल दिया और ये भी बिल्कुल बलून की तरह फूल कर रेडी हो गया है। तो है ना कमाल का एकदम भटूरा और छोला, जैसे स्ट्रीट पे खाते हो आप, रास्ते में मिलता है ना या रेस्टोरेंट में मिलता है, रास्ते साइड का जो छोला भटूरा होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, कुछ भी बोलो आप, रेस्टोरेंट का भी अच्छा लगता है, और वो दोनों से अच्छा मुझे घर का लगता है जो मेरे हाथों का बना होता है। तो आप भी ज़रूर मेरे जैसे मैं बना रही हूँ वैसा ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए कमाल के भटूरे बनकर रेडी हुए हैं मैं, तो इस तरीके से आप भी भटूरा ट्राई कीजिएगा। तो बाकी भटूरे मैं इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। वाओ, अब हम चलिए छोला भी देख लेते हैं हमारे बने हैं कि नहीं। मैंने गैस बंद कर दिया था, प्रेशर बिल्कुल अच्छे से निकल चुका था, उसके बाद ये जो छोले हैं वो गर्मा गर्म कटोरी में निकालेंगे, साथ में प्याज के मतलब स्लाइस है, रिंग्स मैंने कट कर लिए थे, और ये गर्मा गर्म नींबू और प्याज के साथ हमारे छोले और भटूरे रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर से इसे बनाइए, खाइए, और मैं, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, तो मैं फटाफट से इसे टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कैसा बना है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, ज़रूर से आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए मेरे तरीके से, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।